जी, तो अब बात करते हैं हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की। ये जो इस वक्त आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है, ये है हमारी एक ऐसी ऑसिलोस्कोप जिसमें कैथोड रेस प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और उन कैथोड रेस की हेल्प से हम लोग स्क्रीन के ऊपर कोई सा भी वेव फॉर्म का इमेज या कोई दूसरा इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस ऑसिलोस्कोप का इंट्रोडक्शन देखते हैं जो कि इस ऊपर वाले पैराग्राफ में गिवन है, फिर बाकी इसके कंपोनेंट्स और इसके थिंग्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बता दूँ कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि यूजली बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा होता है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप देखते हैं। द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिस्प्ले मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट्स और पोटेंशियल्स। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, हम लोग उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से या इलेक्ट्रिक करंट से वेव फॉर्म्स की आउटपुट बना सकते हैं। जैसा कि हार्ट बीट डिटेक्ट करने वाली मशीन आपने देखी होगी, उसमें यह दिखाया जाता है कि स्क्रीन के ऊपर जो ऊपर नीचे ग्राफ हार्ट बीट का ड्रॉ हो रहा होता है, वो बेसिकली चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रही होती है। तो ये उसी टाइप का जो है ये इंस्ट्रूमेंट है। द इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाती है, बन जाती है। द स्क्रीन अपेयर्स एज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर विंडो। स्क्रीन जो है सर्कल भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी हो सकती है, विद अ सेंटीमीटर ग्राफ, और उसके ऊपर जो ग्राफ प्लॉट होता है वो सेंटीमीटर्स में मार्क होता है, सुपर इम्पोज्ड ऑन इट जो उसके ऊपर लगा होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द पिक्चर ट्यूब इन आवर टीवी सेट एंड द डिस्प्ले टर्मिनल ऑफ मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स आर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। पुराने ज़माने के जो टेलीविज़न होते थे, आजकल तो हम LED LCDs यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने के जो टेलीविज़न्स होते थे उन पर जो पिक्चर्स प्लॉट की जाती थी, ये एक पुराने ज़माने का टेलीविज़न है जिसकी स्क्रीन थोड़ी सी आगे डी शेप में होती थी, उसका बाहर की तरफ पेट निकला होता था। तो ये जो है इसमें पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम आती थी और वो आके स्क्रीन से टकराती थी, और जिस मैग्नीट्यूड की आती थी उस मैग्नीट्यूड की पिक्चर प्लॉट कर देती थी। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे कैथोड रे को देखें तो ये जो इसके सामने ये जो मार्क नज़र आ रही है, ये इसकी स्क्रीन है। कैथोड रे के कंपोनेंट्स देखते हैं सबसे पहले क्या क्या हैं। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गन विच कंट्रोल ग्रिड, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तीन मेजर पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गन और ग्रिड, वो जगह जहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कराया जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज दिया जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट आउट होंगे। उसके बाद वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास करेंगे। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स दो तरह की लगी होंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करके एक ही लाइन में मूव करवा के उस स्पॉट पर गिराएगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने गिर कर इमेज प्रोड्यूस करना होगा, और ये स्क्रीन है इसकी। अब इसकी फर्दर डिटेल हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। स्टडी करते हैं पैराग्राफ इलेक्ट्रॉन गन का। ये है इलेक्ट्रॉन गन का पैराग्राफ, दिस वन। इसको अब हम पढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन? द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स विच इज़ एन इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड दैट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गन वो वाला एक सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, और ये हीट कैसे किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है यानी वेरी हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है इसको हीट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन गन आल्सो हैज़ एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड ग्रिड। इसका इलेक्ट्रोड जो है मतलब वही जहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा, उसको हम ग्रिड भी कहते हैं। कैपिटल जी से डायग्राम में इसको डोनेट किया हुआ है। For collecting, for controlling the flow of electrons in the beam, the grid is connected to the negative potential. The more negative is the potential, the more, जितना ज़्यादा negative potential होगा यानी negative उस पर charge provide किया गया होगा, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे की तरफ रिपेल होंगे फ्रॉम द ग्रिड ग्रिड से, एंड हैंस ताहम फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड, बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ पहुँचेंगे एंड द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द स्क्रीन डिटरमिन्स द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी, जितने कम गिरेंगे उतनी कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी. हैंस द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड कैन बी यूज्ड एज ब्राइटनेस कंट्रोल, इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल को हम ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए भी यूज़ करते हैं. द एनोड इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, एंड हैंस इज़ यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, और इससे इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन यानी उसको कितना ज़्यादा तेज़ी से लेके जाना और कितना ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम तेज़ी से लेके जाना वो कंट्रोल होगा. द इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड इनटू अ फाइन बीम एंड दे पास थ्रू द एनोड, ठीक है, और वो एक बड़ी अच्छी सी बीम यानी एक बड़ी अच्छी सी लाइन बनाते हुए जाएंगे और एनोड के ऊपर जाकर गिर जाएंगे. उसके बाद बारी आती है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की. डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? ये होती हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इसके बारे में बात करते हैं. After leaving the electron gun से निकलने के बाद the electron beam pass through a pair of horizontal plate के एक पेयर के दरमियान में से गुजरेगी. horizontal plate इस तरह की होती है, ये या लाइक इस तरह जो हो डायरेक्शन होती है वो horizontal की होती है, इस तरह बनी होगी, इसके दरमियान में से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे. तो ये horizontal plate में से गुजरेगी. a potential difference applied between these plates, इन प्लेट्स को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे. दस द बीम इन अ वर्टिकल प्लेन, और ये जो है कि बीम को वर्टिकल प्लेन में इकट्ठा कर देगी, मतलब जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो वर्टिकली इकट्ठे हो जाएंगे. दिस पेयर ऑफ प्लेट प्रोवाइड द वाई एक्सिस और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन, तो ये जो पेयर है ये वाई एक्सिस में जितनी मूवमेंट होनी होगी यानी वर्टिकली जितनी मूवमेंट्स प्रोड्यूस होनी होंगी वो ये प्रोवाइड करेगा. लाइक जो स्क्रीन पे इस तरह वाली मूवमेंट है ना, इस तरह वाली वो प्रोवाइड करता है, और वर्टिकल मूवमेंट्स और इमेज प्रोडक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है. उसके बाद सिमिलरली अ पेयर of vertical plates provide x axis on the screen, उसके बाद ये एक vertical like इन plates के दरमियान में से जब ये गुजरेगा तो ये वाली जो vertical plates में से गुजरनी है ये x axis movement को control करेगी, reflection कर देगी ना opposite direction में, तो screen के ऊपर इस तरह वाली movement को ये control करेगी. उसके बाद next जो है हमारा वो है fluorescent screen. fluorescent screen के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस वाले paragraph में. स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ फॉस्फर, जो स्क्रीन है उसके ऊपर फॉस्फर मटीरियल की एक पतली सी लेयर लगी होगी, विच इज़ मटीरियल, जो ऐसा मटीरियल है दैट गिव्स लाइट, जो अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट, जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की. फॉस्फोरस ऐसा मटीरियल है कि उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे तो वो उस पर लाइट प्रोड्यूस करेगा. द सीआरओ इज़ यूज्ड इन मेनी फील्ड्स, सीआरओ बहुत सी फील्ड्स में इस्तेमाल होता है. ये जो मैं बात करने लगी हूँ अभी, ये वाला जो हम पैराग्राफ डिस्कस करने लगे हैं, ये यूजेज़ ऑफ सीआरओ हैं और ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर एंड तक इसका आंसर है, ठीक है. यूजेज़ ऑफ सीआरओ के बारे में ये वाला पैराग्राफ आपको बताएगा. The CRO is used in many fields of science, displaying waveforms, measuring voltages, range finding in radars, echo sounding, and the CRO is also used to display heartbeats. तो बहुत सी examples आपने देखी होंगी जिसमें अक्सर स्क्रीन के ऊपर ऊपर नीचे प्लॉटिंग हो रही होती है, तो उसमें हमारा ये CRO ही फंक्शन कर रहा होता है. जी गर्ल्स, अभी जो है मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको एनिमेशन के फॉर्म में जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो नज़र आ जाएगी. काइंडली इसे मेंशन कीजिए. To invent the cathode ray oscilloscope, CRO. The cathode ray oscilloscope is built up of three main parts. The first part which looks like the cathode ray tube but with a few changes.
ये वाइट कलर में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसमें से, और ये रेड सी कलर जो है वो ग्रिड और इलेक्ट्रॉन गम है. ये एक्स एंड वाई प्लेट्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं. It consists of the Y plates. They are responsible for deflecting the beam of electrons vertically up and down. The other two plates are named the X plates. ये कलेक्ट कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर बिखरने की बजाय. Right across the screen. The voltage on the X plate is controlled by a button on the interface. This button is referred to as the time base. The third main part of the oscilloscope is the fluorescent screen. जी ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है. Inside with a layer of a substance that is sensitive to electrons. It gives a bright spot on the position where the beam of electrons falls on the screen.